जिले के प्रभारी व समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने शनिवार को शारदीय नवरात्रि पर सर्किट हाउस से मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ किया, जिसके तहत प्रभारी मंत्री ने बालिकाओं एवं महिलाओं में जागरूकता के लिए महिला आरक्षियों के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा कि मिशन शक्ति का शुभारंभ शारदीय नवरात्रि पर इसलिए किया है ताकि महिलाएं और बच्चियां शक्ति की देवी मां दुर्गा की तरह ही दुष्टों का संहार कर सकें और उनको सबक सिखा सकें। उन्होंने बेटियों के माता पिता से अपील करते हुए कहा कि वो अपनी बेटियों को सशक्त बनाएं, जिससे वह दुष्टों का सामना कर सकें और उनको सबक सिखा सकें। इस मौके पर नोडल अधिकारी मनीषा त्रिपाठिया, चौरी चौरा विधायक संगीता यादव, मंडलायुक्त जयंत नालिकर, जिलाधिकारी केवीएन पांडियन, एसएसपी जोगेंद्र कुमार, एएसपी सीओ कैंपियरगंज राहुल भाटी, सीओ लाइन एएसपी सोनम कुमार, रामगढ़ ताल थाना प्रभारी अनिल सिंह, महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह सहित अन्य महिला पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नोडल अधिकारी मनीषा त्रिभाटिया, चौरी चौरा विधायक संगीता यादव व जिले के प्रभारी व समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा। आज से जो अभियान की शुरुआत हुई है उसके लिए शासन से हमें वहाँ पर भेजा गया है यहाँ पर, ताकि हम देख सकें और अच्छे से चल सके और जो मंशा है अच्छे से अभियान चलाने की और नारी सम्मान और नारी शक्ति के स्फीयर में काम करने के लिए, तो वही हमारा आज ये रहेगा और हम कुछ दिन यहाँ रहेंगे जस्ट टू इंश्योर के सब ठीक से होता रहे। देखिए आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज तक देखिए हमारी जो हिंदू धर्म में माना जाता है इस शक्ति चाहिए तो दुर्गा की पूजा कीजिए, धन चाहिए तो लक्ष्मी की पूजा कीजिए, इसी के तहत आज श्रद्धा से उतरकर जमीनी स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए माननीय योगी जी ने ये पहल की है और अगले नवरात्र तक ये प्रोग्राम चलेगा और प्रयास यही किया जाएगा कि गली गली कूचे कूचे में जो स्कूलों के सामने जो हमारी बच्चियाँ परेशान होती हैं, महिलाएँ परेशान होती हैं, कैसे उन्हें सुरक्षा दिया जाए, इसी का उपाय इसमें किया गया है। महिलाओं के लिए कोई मैं देखिए मैं खुद एक महिला विधायक हूँ, सभी सरकार की पहल ठीक है लेकिन अपनी सुरक्षा खुद करने का ब्यौरा महिलाओं को खुद उठाना होगा। नवरात्र चल रहा है, माँ भगवती की आराधना चल रही है, आराधना इसलिए किया जाता है माँ शक्ति माँ भगवती हमको इतनी ताकत दें कि हम दुष्टों से लड़ सकें, और इसी रूप में हमारी हमारी सरकार ने तय किया है नारी शक्ति मिशन। हम बच्चों को महिलाओं को बेटियों को सख्त बनाएंगे, जिससे माँ भगवती के तरह से वो भी शक्तिशाली बन करके देश में दुष्टों का विनाश कर सकें। ये नारी शक्ति मिशन तो जब तक हमारे देश में व्यवस्था ठीक नहीं हो जाती तब तक चलेगा। समय समय पर संदेश देना चाहेंगे, यही समय देते हैं संदेश की सब अपने अपने घर में बच्चियों को शक्तिशाली बनाएं और दुष्टों से लड़ने के लिए उनको अग्रसारित करें, आगे बढ़ाएं।